भाई आजा आजा, तुझे अगर बनना ही है तो यहाँ पे शिकार बनना ही है तो। ओ भाई कोई और तो नहीं आ रहा है ना, इसको देते खाने भर का। ओ भाई साहब क्या निशाना लगाया यार मैंने यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विकेश आपका स्वागत करता हूँ बिग रॉक्स गेमिंग में। तो दोस्तों ये है ग्रीन हेल का एपिसोड 5, एंड जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, यहाँ पे भाई हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना रिचुअल्स। एंड भाई यहाँ पे रिचुअल्स में ये बाउल था जिसमें भाई अब कुछ मतलब कोई तो लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड में अपने को दो जड़ी बूटी मिलाना था जो हम लोगों ने ढूंढ के, एक तो यहीं पे था और एक यहाँ पे था। दोनों जड़ी बूटी हम लोगों ने मिला दिया था, उसके बाद यहाँ पे नीचे कैंप फायर लगाए थे। एंड कैंप फायर लगाते ही भाई यहाँ पे एक अलग ही तरीके का लिक्विड बना था जिसको पीते ही भाई अपने को अजीब गरीब यहाँ पे चीजें देखने लगी थी। एंड उसके भाई भाई बाद हम लोग ने यहाँ पे भाई जो ही पास्ट देखा है ना भाई, पास्ट अपन मतलब सोचो उस लिक्विड के मतलब अफेक्ट से अपन यहाँ पे क्या अपने को पास्ट देखने लगा था। एंड पास्ट में भाई हम लोग ने बहुत ज्यादा मजे चीज देखे हैं यहाँ पे भाई पास्ट में। उसके बाद हम लोग ऐसी जगह पे गए थे जो जगह है ही नहीं, मतलब भाई ऐसे ऐसे पोर्टल में गए थे जो है ही नहीं ऐसी जगह पे। मतलब उसके बाद क्या हुआ, एक बच्चा आया अपने को लेके गया था। एंड उसके बाद भाई हम लोग वहाँ पे भाई मियाँ आपको याद रहेगा, तो भाई मियाँ जब अपने को 3 बजे रात को छोड़ के गई थी, तो भाई उसके बाद से उसके साथ क्या क्या हुआ था तो वो अपने को वहाँ पे मालूम पड़ा था। एंड भाई उसके साथ मतलब यहाँ पे उसके बाद हम लोग ने मियाँ से बातें भी की, एंड जिससे बात करने के बाद भाई जो गुस्सा लगा है ना अपने को, क्योंकि भाई मियाँ सेफ है एंड हम लोग यहाँ पे इस टाइम पे इस जंगल में गुम हो गए हैं। मियाँ से बात किया तो भाई वो बोल रही है मैं सेफ हूँ, तुम लोग मतलब तुम चले आओ यहाँ आ जाओ वो आ जाओ। भाई क्या ही नाटक कर रही थी वो लड़की, सोचो भाई यहाँ पे हम लोग गुम हुए पड़े हैं जंगल में एंड वो मस्त मजा कर रही है अपना पूरे जंगल में। तो भाई यहाँ पे अब कहाँ से हम लोग पहुंचे, तो उसके बाद वो पोर्टल में जाने के बाद हम लोग ने एक जगह भी देखा था जिसको आगे एक्सप्लोर कर सकते थे हम लोग। एंड यहाँ पे भाई इस टाइम पे रात के मतलब शाम के 4:30 या 5 बजने वाले हैं, तो अभी अपन कहीं जाने वाले नहीं है। एंड यहाँ से थोड़ा सा खाना खा लेते हैं पहले, एंड यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे खाना खा लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग ने ढेर सारा खाना खा लिया है, एंड ऊपर से यहाँ पे हमारा हेल्थ बार भी एकदम मस्त चकाचक हो गया है एकदम। यहाँ पे देख रहे हो भाई हर एक चीज़ भरी पड़ी है, एंड यहाँ पे शायद से अपने को फूड पॉइजनिंग हुई पड़ी है। तो यहाँ पे इस पेड़ पे एक भाई यहाँ पे ये देखो, ये जो अननोन मशरूम है ना भाई, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये क्या करता है अपना पेट ठीक कर देता है। तो यहाँ पे देख रहे होगे अगर आपको यहाँ पे हेल्थ बार दिखता रहेगा, तो हेल्थ बार में आपको दिखता रहेगा कि हमारी पेट खराब हुई पड़ी है। तो पेट खराब मतलब पेट को सही करने के लिए अपने को हेल्थ बार में यहाँ से खाना पड़ेगा बस, उसके बाद ठीक हो गया अपना यहाँ पे पेट। तो अभी क्या करना है भाई अपने को, एंड यहाँ पे अभी चेक करते हैं भाई अपना कितना घंटे चलने वाला है एक दिन। और यहाँ पे देख रहे हो भाई यहाँ पे बहुत ढेर सारी चीज़ें हम लोग ने इकट्ठा करके रखी है, तो यहाँ पे इसको खा लेते हैं। एंड ये भी बहुत देर तक चलने वाला है मेरे हिसाब से, सब कुछ ज़्यादा देर तक चलने वाला है। तो यहाँ पे अभी हम सो जाते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे बारिश भी हो रही है तो कुछ मालूम नहीं पड़ने वाला। एंड 5:30 बजे यहाँ पे बज रहे हैं 5:30, तो अपन सुबह के 5:30 बजे उठते हैं, तो सीधा 12 घंटे बाद आपसे मिलेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट अपन 5:30 बजे उठे हैं, लेकिन भाई यहाँ पे बारिश कंटिन्यू हुई है भाई। यहाँ पे एक तो भाई पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है, एंड यहाँ पे आग भी खत्म हो चुकी है अपना। एंड यहाँ पे चारकोल इकट्ठा कर लेते हैं, जो कैंप फायर ऐस है ये भी इकट्ठा कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। एंड अभी चलते हैं जो जगह पे हम लोग जा रहे थे, जो जगह हम लोग ने लास्ट एपिसोड में ही एक्सप्लोर किया था, एंड इसे अभी खा लेते हैं जिससे अपना हेल्थ बना रहेगा। एंड यहाँ पे भाई जो अपना कोकोनट सेल है ना भाई वो भी ले लेते हैं, क्योंकि भाई ये रास्ते में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होने वाली है। एंड भाई यहाँ पे स्पिल क्या आ रहा है, ये ड्रिंक कर लेते हैं, ड्रिंक करने के बाद इसको रख लेते हैं, तो 2 यहाँ पे रख लेते हैं एंड साथ से 3 रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ पे 3 रख लेते हैं और बाकी यहीं रहने देते हैं। तो कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पे इन सभी चीज़ों को बाय बाय बोलते हुए अलविदा बोलते हुए अपन चल रहे हैं यहाँ से। एंड भाई यहाँ पे ना भाई बहुत ज़्यादा मतलब जानवरों का शोर होता है, एंड भाई एक एक से जानवर है ना भाई इतनी मतलब इतना ज़्यादा डरा देते हैं आपको कि हद से ज़्यादा। यहाँ पे एक स्नेक है,
भाई यहाँ पे वेनम इस मतलब वेनम एक तरीके से स्नेक को वेनम बोला जाता है, जो वेनम होता है भाई यहाँ पे वो तो अलग ही डराता है। और वेनम के जैसे ही यहाँ पे जो भाई यहाँ पे अपने पास इगुआना है वो भी डराता है। एंड यहाँ पे मैंने नट्स देखे गिरते हुए, तो भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है अपना काप बढ़ाने के लिए। जो मतलब जो यहाँ पे नट्स होते हैं, नट्स वाला ये जो ग्रीन वाला अपने को यहाँ पे ग्रीन का जो बार है ये अपना कंप्लीट कर देता है, न्यूट्रिशन वाला। हाँ अभी याद है भाई, न्यूट्रिशन वाला। एंड यही जो अपना ये जो सेल था, ये पोर्टल था, यही पोर्टल लास्ट एपिसोड में हम लोग ने ओपन किया था। लेकिन भाई रिचुअल्स के पहले यहाँ पे बहुत ही बड़ा पत्थर लगा हुआ था। एंड रिचुअल्स जैसे भी हम लोग ने कंप्लीट किया, मतलब वो लिक्विड जैसे ही हम लोग ने पिया भाई, यहाँ पे ये पत्थर वित्थर सब गायब हो गए। उसके बाद से यहाँ पे रास्ता ओपन हो गया था। एंड अभी हम लोग वो रास्ता चलते हैं जहाँ पे लास्ट एपिसोड में हम लोग ने एक्सप्लोर किया था। तो यहाँ पे एक नदी है जो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने एक्सप्लोर किया था। एंड यहाँ पे देखते भाई अपने पास अभी क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि भाई यहाँ पे थोड़ा सा अपने को शायद से मुझे लगता है थोड़े पत्थर वित्थर ले ले लेने चाहिए अपने को, क्योंकि भाई पत्थर बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। यहाँ पे स्टोन ले लेते हैं। एंड यहाँ पे भाई अपने को जोक लग गई है, यहाँ पे जिस हिसाब से अपने को इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे भाई देखते हैं जोक शायद से पैर में ही लगी रहेगी। हाँ यहाँ पे देखो इस तरीके से एक ही जोक थी। अच्छा भाई एक ही था यहाँ पे, नहीं तो ये लोग भाई क्या होते हैं ना, अगर आप झाड़ी उड़ी के बीच में जा रहे हो ना भाई, तो ये लोग अचानक से चिपक जाएंगे और आपका मतलब जो खून है चूसते रहेंगे, और कुछ देर बाद आप मर जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे भाई इकट्ठा मतलब देखते रहना चाहिए। एंड यहाँ पे भाई अपना थोड़ा नहा वहा लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे 2-3 दिन से नहाया नहीं है। एंड भाई यहाँ पे अभी चलते हैं आगे। एंड नहाते रहना भाई ग्रीन हिल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई नहाते नहीं रहोगे तो आपको क्या होता है यहाँ पे भाई, मतलब मिट्टी विट्टी लग जाती है आपकी बॉडी जो रहती है पूरा एकदम, यहाँ पे जो रहता है बॉडी मिट्टी विट्टी लगने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ढेर सारे जो कीड़े रहते हैं ना आपको चिपक जाते हैं, जिनसे आपके जो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड यहाँ पे भाई देख रहे हो एक नया जानवर यहाँ पे अपने को दिख रहा है। एंड भाई कितना ही स्लो चल रहा है ये जानवर, तो इसको मार के देखते हैं भाई कुछ मिल जाए तो। वो भाई भाग गया, तो ये भाग गया। एंड लास्ट एपिसोड में आपको ये पेड़ दिखा था भाई, मैंने आपको बताया था ये पेड़ अलग ही, क्योंकि भाई ये सिस्टमेटिक, इतना सिस्टम से कोई भाई नेचुरल तो ग्रो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जरूर कोई बंदा रहेगा जो ये पेड़ वेड़ उगाता रहेगा एंड यहाँ पे भाई फार्मिंग वर्मिंग करता रहेगा। तो अभी क्या करते हैं भाई, यहाँ पे अभी हम लोग मतलब थोड़ा सर्वाइवल वर्वल करना अपने को। यहाँ पे ग्रीन हेल में जो है अपने को आने लगा है, धीरे धीरे हम लोग सीखने लगे हैं। एंड यहाँ पे देखते भाई नट्स गिरे हैं क्या, भाई यहाँ पे तो नट्स नहीं दिख रहे अपने को। एंड अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ नया मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओ भाई साहब नया यहाँ पे पैरट मिल चुकी है अपने को, तो यहाँ पे पैरट को जो है अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैरट को हार्वेस्ट करने पे अपने को मीट मिल जाएगा छोटा सा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इनका है, इनका हेल्थ भी है अच्छा खासा। एंड यहाँ पे बनाना का भी हेल्थ है, तो यहाँ पे मीट और भाई यहाँ पे अपने पास फेदर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे फेंक देता हूँ मैं फेदर्स। तो यहाँ पे हम लोग ने फेदर्स फेंक दिया है पूरा। एंड यहाँ पे देख रहे हो अपने पास अभी भी 11 फेदर हैं। एंड यहाँ पे थोड़े से मशरूम है जो अपन इकट्ठा करके यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि ये भाई मशरूम जो है अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। एंड यहाँ पे एक और बर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन भाई ये बर्ड अपन इकट्ठा नहीं कर सकते यहाँ पे, मतलब ले नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या करते हैं अभी देखते हैं आ सकता है क्या। ओ भाई साहब यहाँ आ गया। एंड इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हार्वेस्ट होने के बाद अपने पास यहाँ पे 2 मीट मिल चुके हैं मकाओ के। एंड यहाँ पे ये भाई हब है, तो ये बहुत ज़्यादा अपना हेल्थ करता मतलब बढ़ाता है। एंड यहाँ पे देख रहे हो भाई एक अलग ही तरीके का मैंने एक्स भी बना लिया है, जो एक्स है अपना यहाँ पे बोन से बना हुआ है। तो ये भी बनाने का आपको रेसिपी दिखा दूंगा मैं अभी। क्या ये फ्लावर अपने को ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे भाई बारिश हुई पड़ी है, तो यहाँ पे देखते भाई ये भाई साहब यहाँ पे स्नेल ले लेते हैं ये भी। एंड यहाँ पे देखते भाई स्विम करके देखते हैं कुछ अंदर रहेगा क्या। ओ भाई साहब कितना ही क्लीन वाटर है यहाँ पे भाई, ये ज़्यादा मज़ा आ गया यहाँ पे भाई, तैरने वैरने में मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एंड भाई अभी आगे बढ़ते रहते हैं, देखते हैं कुछ नया मिले तो बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे देखते हैं भाई कोकोनट आया है क्या, भाई यहाँ पे आते नहीं है। एंड यहाँ पे अपने को नए फ्रूट्स मिल गए हैं जिनको अपन डायरेक्ट खा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने फ्रूट्स खा लिए हैं। एंड अभी आगे बढ़ते हैं, देखते कुछ नया मिल जाए। ओ भाई साहब वेट, ये क्या है यहाँ पे, टायर के निशान भाई, ये गाड़ी कौन चला रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये गाड़ी कौन लेके आ रहा है भाई। यहाँ पे देखते टायर के निशान इस तरफ तो गए हुए हैं, देखते आगे है क्या यहाँ पे। ओ भाई साहब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे भी आगे बढ़ा हुआ है।
भाई यहाँ पे कौन चला रहा है भाई, इतने जंगल में, इतने भरे जंगल में कौन चला रहा है यहाँ पे गाड़ी भाई? कैसे चला कैसे लेते रहोगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई। यहाँ पे देख रहे हो जगह जगह पे, यहाँ पे टायरों के निशान जो है वो मिट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे वो भाई साहब आगे भी कंटिन्यू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है ना, तो भाई मिट सकता है यहाँ पे। एंड अभी यहाँ पे भाई, यहाँ पे पूरे तरीके से खत्म हो नहीं यार, यहाँ पे टायर के निशान कंटिन्यू है, तो देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू करते हैं ये। ओ भाई साहब देखते हैं, बोलते हैं यहाँ पे खत्म हो गया। ओ भाई साहब यहाँ पे देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। ओके तो यहाँ पे भी कंटिन्यू हुआ है। एंड अभी अब यही फॉलो करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ओ भाई साहब ये क्या है भाई, यहाँ पे टीन के डब्बे पर फेंके हुए। ओ भाई अपना स्पेयर भी टूट गया यार यहाँ पे, और बाम्बू, यहाँ पे बाम्बू के पेड़ है यहाँ पे ढेर सारे, तो यहाँ पे थोड़े बाम्बू तोड़ के देखते भाई अपने को कुछ नया मिल जाए तो इससे। ओ भाई साहब ओके तो यहाँ पे बहुत बड़ा बाम्बू है यार ये तो। तो यहाँ पे क्या है, ये लॉग है, बाम्बू लॉग। एंड उसके बाद भाई इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नहीं भाई डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भाई बाम्बू लॉग से अपने को मिलेगा क्या, यहाँ पे तोड़ते देखते इससे भी अपने को वीक स्पेयर मिलता है क्या यहाँ पे, मतलब बड़ा वाला। ओ भाई साहब इससे तो कुछ मिल ही नहीं रहा अपने को। तो यहाँ पे भाई ओके तो मतलब अपने को कुछ और नया लेने के लिए यहाँ पे छोटे वाले बाम्बू तोड़ने पड़ेंगे, तो देखते हैं इन सबको तोड़ते हैं। ओके तो यहाँ पे अपने को ये बाम्बू, मतलब ये इस तरीके के बाम्बू मिल चुके हैं, एंड इनको क्राफ्ट करके देखते हैं भाई अपने को स्पेयर मिलता है क्या। तो शायद से मिल जाएगा अपने को यहाँ पे स्पेयर। ओ भाई साहब यहाँ पे देख रहे हो वीक स्पेयर अपने को मिल गया। एंड यहाँ पे अब अपन क्राफ्ट कर लेते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे हार्वेस्ट करने वाला हूँ। तो हार्वेस्ट करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने को यहाँ पे स्टिक मिल रहे भाई। एंड यहाँ पे अभी भी ये रास्ता फॉलो, मतलब आगे बढ़ रहा है, तो अभी मैं फॉलो करते जाता हूँ। ओ भाई साहब वेट वेट अ सेकेंड भाई, ये भाई यहाँ पे किसी जगह पे आ चुके हैं अपन। ओ भाई साहब यहाँ पे भी देख रहे हो टीन के डिब्बे। ओ भाई साहब मेरे सामने नारियल गिरा है यहाँ पे, ओ मजे वाली बात। यहाँ पे भाई इसको तोड़ते हैं और इसके अंदर से पानी पीते हैं, एंड इसको अभी कलेक्ट कर लेते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे देखते हैं और नारियल आई है। ओ भाई साहब यहाँ पे तो और नारियल है, इसके अभी क्या करते हैं, अभी अपना स्पेयर फेंकते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ कैसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पे इसको लिया मैंने, एंड इसको अभी इसके बीच में फेंक देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देख रहे हो एक नारियल और आ गया अपना, एंड मेरा स्पेयर किधर गया? ओ भाई मेरा स्पेयर, भाई साहब मेरा स्पीयर वहां पे ऊपर छूट गया, अब क्या होगा, मेरा स्पीयर किधर गया? नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ पे है भाई, मुझे तो लगा ऊपर ही छूट गया यहाँ पे। अभी फिर से तोड़ते हैं ये वाला भी। ओ भाई साहब ये वाला भी आ चुका है यहाँ पे, एंड अभी आप, ओ भाई इसको छोड़ो, यहाँ पे अपना स्पीयर लेते हैं एंड इनको मार के यहाँ पे इनका छोटा कर देते हैं साइज। ठीक है तो यहाँ पे इनका साइज छोटा कर दिया और यहीं पे रहने देते हैं, बाद में अपन भाई पहले ये एक्सप्लोर करते हैं भाई क्या ही खतरनाक चीज अपने को यहाँ पे मिल गई है। ओ भाई साहब ये क्या है यहाँ पे भाई, थोड़ा खोजबीन करते हैं। ये भाई ये क्या है, पत्ती। एंड यहाँ पे ये मोटर भाई, जो छोटे छोटे झाड़ पौधे होते हैं ना उनको काटने वाली चीज है ये, मशीन है। एंड यहाँ पे देखते भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अलग अलग तरीके के यहाँ पे कपड़े एंड ग्लव्स टांगे हुए गए हैं। एंड ये क्या है, माइक्रोवेव भाई, यहाँ पे पक्का यहाँ पे आदमी रहते हैं या फिर टूरिस्ट आए रहेंगे, क्योंकि भाई ये जो जगह है ना भाई ये ट्राइब्स वाले तो बना ही नहीं सकते पहली बात तो ये, एंड बना भी लेंगे ना भाई, यहाँ पे देख रहे हो इतने ढेर सारे प्लैंक्स, उसके बाद कील यहाँ पे भाई बना भी लेंगे, तो इनको यहाँ पे ड्रम नहीं मिलने वाला, ये जो ब्लू कलर के ड्रम देख रहे हो ये सब चीजें तो नहीं मिलने वाली, और उनको मशीन और यहाँ पे बॉटल्स वीटल्स तो नहीं मिलने वाले भाई। यहाँ पे नोट्स रखा हुआ है, देखते हैं इसमें क्या है भाई, ये क्या है, ओ वीक 17 कलेक्ट 20 बैग्स 10 केजी ऑफ लीव्स ईच। ओ भाई साहब यहाँ पे किसी चीज़ की रेसिपी उसी भी बताई जा रही है, एंड देखते भाई यहाँ पे आगे क्या हो रहा है। ओके भाई ये चीजें, डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ अ स्नोमैन, अब भी समझा भाई, मुझे समझ गया यहाँ पे ये क्या हो रहा है यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे स्मगलिंग चल रही है, यहाँ पे ड्रग्स बनाए जा रहे हैं। एंड जो वो लीव्स है ना या भाई, जहाँ पे अपन स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे हम लोग ने जो पौधे देखे थे भाई, जो मैं बोला था इतने सिस्टमेटिक नहीं लग सकते भाई, वो एग्जैक्टली ड्रग्स के पौधे थे भाई। अब भी मुझे एग्जैक्टली मालूम पड़ गया ये चीज़ कहाँ पे, मतलब ये भाई यहाँ पे स्मगलर्स ने बनाया है यहाँ पे भाई,
बाहर वालों से मतलब छुपने के लिए यहाँ पे, ताकि पुलिस वुलिस ना पकड़ सके उन्हें। भाई यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता अमेजोन में स्मगलिंग होती है, इसके वजह से इन लोग ने यहाँ पे बना लिया है। एंड भाई यहाँ पे देखते क्या क्या चीजें नई मिलती हैं अपने को। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे प्लेट्स और चम्मच उम्मच रखे गए हैं, यहाँ पे बैग है, ओपन करते हैं। यहाँ पे भी लेटर्स रखा हुआ है, तो यहाँ पे भाई किसी के लेटर्स पढ़ने, तो डियरेस्ट मर्केल मर्केला आया बोल, नहीं मुझे चाहिए नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। यहाँ पे मैट्रेस रखे हुए भाई, तो सोने में यहाँ पे मजा ही आएगा। एंड यहाँ पे ये क्या है, बोन नाइफ, तो मैं इसको नहीं कलेक्ट करने वाला। एंड यहाँ पे चिप्स के पैकेट्स रखे हुए हैं, ओ भाई साहब ये मस्त है। एंड यहाँ पे कैंडी बार्स भी रखे हुए हैं, एक बैग और है यहाँ पे, देखते इसके अंदर क्या है। भाई इसके अंदर भी कुछ मिलेगा क्या? भाई इसके अंदर कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे बैग अपना बहुत ज़्यादा भारी हुआ पड़ा है, तो इस जिसके वजह से अपन चल नहीं पा रहे हैं। तो अपन यहाँ पे खाना ही खा लेते हैं, एंड जो यहाँ पे भाई थोड़ा बहुत खाली हो जाएगा अपना बैग। सो कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक कैंडी बार और रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बैग में तो कुछ नहीं मिला अपने को, और यहाँ पे ढूंढते, इस जगह पे तो आ चुके भाई, यहाँ पे सारा यहाँ पे खतरनाक काम हो रहा है। एंड यहाँ पे एक कुर्सी रखी हुई है, तो वो भाई साहब अपन पैरट्स मार सकते थे क्या? यहाँ पे एक चेयर रखा हुआ है, शायद से वो लोग रात को या शाम को यहाँ पे नज़ारे का व्यू का पूरा मजा लेते रहेंगे। एंड यहाँ पे कुछ नया मिल जाए तो ओके। तो यहाँ पे एक जगह है शायद से, यहाँ पे भाई छिपने उपने की जगह रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश से बचने के शायद से एक जगह है। तो यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे अपन एक कैंप फायर बनाएंगे, ताकि भाई अपन यहाँ पे खाना वीना जितना भी लाए हैं वो पका सके। एंड यहाँ पे एक चिप्स का पैकेट यहाँ पे रखा हुआ है, तो अपन कलेक्ट नहीं कर पा रहे, यहाँ पे बनाना खा लेते हैं। एंड इसको यहाँ पे रख देते हैं, एंड देखते हैं भाई यहाँ पे क्या है। एम्प्टी कैन, क्या करूँगा कैन का, फेंको इसको। कैन वैसे भी यहाँ पे खा मतलब अपना एम्प्टी कैन का क्या ही करेंगे, यहाँ पे एम्प्टी कैन फिर से। एंड यहाँ पे ये क्या है, पॉट, भाई यहाँ पे पानी पी सकते। ओ भाई साहब इसको कलेक्ट कर सकते क्या? ओके तो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया हम लोग ने इसको, ओ भाई साहब मजा ही आ गया। एंड यहाँ पे वुडन स्पून, इसका क्या करेंगे। एंड यहाँ पे चारकोल रखा हुआ है, तो बाद में चारकोल इकट्ठा करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे अपन अपना भाई कैंप फायर लगाएंगे तो वहाँ पे चारकोल लगा देंगे, ताकि कैंप फायर का जो भाई यहाँ पे लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाए। एंड यहाँ पे शायद से ये जानवरों को कैद करने की जगह है। एंड यहाँ पे ये क्या चीज़ है, यहाँ पे भाई ये क्या, ओ भाई साहब यहाँ से पानी टपक रहा है भाई। तो अपना ये जो पॉट है ना, अपन इसके नीचे ही रख देते हैं, ताकि शायद से हो सकता रहेगा ऐसा कुछ तो रहेगा कि इसके नीचे रखने से ये पानी भरता रहेगा यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे सच में यार ये पानी भर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो अनलिमिटेड वाटर का ये भी जुगाड़ हो चुका है। एंड यहाँ पे अपने पास दूसरा जुगाड़ भी है, यहाँ पे हम लोगों ने ढेर सारा जुगाड़ करके रखे रहे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे बाउल में, यहाँ पे जितना भी कोकोनट का बाउल है ना, यहाँ पे फेंक देता हूँ, ताकि यहाँ पे उसमें पानी भरते रहे। एंड यहाँ पे बारिश हो ही रही है, तो अपने को वाटर्स की कमी पड़ेगी नहीं। यहाँ पे मकाओ को मार के देखते हैं, मकाओ को मार सकते हैं क्या इस यहाँ से। ओ भाई साहब ये तो यहीं पे गिर गया, मर भी गया। ओ भाई साहब यहाँ पे मकाओ मर गया, लेकिन अपन इतने ऊपर पहुंचेंगे कैसे उसको कलेक्ट करने के लिए? भाई उसको कलेक्ट ही नहीं कर सकते अपन, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर सकते। एंड अभी भाई यहाँ पे अपने पास खाना पीना तो बचा नहीं है कुछ खाने के लिए, यहाँ पे मतलब खाने पकाने के लिए। यहाँ पे दो मकाओ मीट ही है, एंड यहाँ पे कोकोनट का यही इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने को वो वाइट वाला फ्लेश मिल जाएगा, तो ये भी खा लेते हैं। एंड यहाँ पे दो सेल अपने को और मिल गए रहेंगे, मतलब बाउल मिल गए रहेंगे, इसको भी यहाँ पे रखवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने रख दिया है, एंड जिसके अंदर जो पानी भी इकट्ठा हुआ है वो पानी पी लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। तो भाई यहाँ पे भी देखते हैं कुछ पानी इकट्ठा हो गया रहेगा, 9 हाइड्रेशन यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट्स में, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है। एंड यहाँ पे अभी हम लोग बनाते भाई यहाँ पे अपना जो कैंप फायर है, क्योंकि यहाँ पे जो अपन खाना इकट्ठा करके रखे हैं उसको भी पकाना रहेगा। तो यहाँ पे पहले स्टोन रिंग रख देते हैं, एंड स्टोन रिंग रखने के बाद यहाँ पे भाई अपने पास स्टोन है क्या, ठीक है। तो स्टोन रिंग रखने के बाद अपने को यहाँ पे कैंप फायर लगाना होगा, तो कैंप फायर के लिए यहाँ पे ये जगह सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं अभी सारे स्टिक्स लगा देते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे अपने को थोड़े से स्टिक की कमी पड़ गई है, तो यहाँ पे स्टिक्स अपने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी देख रहे हो भाई वो पौधे यहाँ पे भी लगे पड़े हैं, तो आगे देखते हैं कुछ और यहाँ पे इकट्ठा करने को मिल जाता तो अपने को यहाँ पे स्टोन्स की। ओके तो यहाँ पे मकाओ मिल गया, तो इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। एंड स्टिक्स यहाँ पे भी है, एंड स्मॉल स्टिक भी है। ओके तो यहाँ पे भाई साहब अपना कैंप फायर तो हो चुका होगा प्लेट, लेकिन यहाँ पे अपना जो ये अपन ने स्टोन बनाया है, यहाँ पे रिंग स्टोन बनाया हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसको कंप्लीट पहले करेंगे, तभी उसके बाद आग लगाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे जो कैंपर यहाँ पे स्टोन रिंग्स होते हैं ना,
भाई वो अपने को खाना पकाने में मदद करते हैं। एंड यहाँ पे पीछे देखते भाई, यहाँ पे कुछ मिल जाता तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पे स्टोन, बिग स्टोन यहाँ पे मिल चुका है, तो अपन यहाँ पे लगा लेते हैं इसको। ओ भाई साहब ये देख रहे हो ये तालाब कितना, यहाँ पे भाई कितना ही गंदा है। आई थिंक यहाँ पे जितने भी पॉल्यूशन वाले केमिकल रहेंगे ना, जितने भी मतलब ये ड्रग्स बनाने के बाद केमिकल बचते रहेंगे, वो ये लोग यहीं पे फेंक देते रहेंगे पीछे अपना, तब भी यहाँ पे इतना ज़्यादा केमिकल्स यहाँ पे हुआ है। एंड ये पानी तो अपन पी भी नहीं सकते और इससे नहा भी नहीं सकते भाई, क्योंकि और यहाँ पे एक जानवर अपने को दिख रहा है, इसका हेडशॉट बजाते हैं यहाँ पे ताकि अपने को थोड़ा सा खाने का सामान मिल जाए। ओ भाई साहब हेडशॉट यहाँ पे बजा ही दिया हम लोग ने इसको। एंड यहाँ पे अभी इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, देखते कितना मीट अपने को मिलता है। एंड ये जानवर कुछ नया मिला है अपने को। एंड यहाँ पे लीच अपने को जोक लग गई है। एंड यहाँ पे जितने भी बोन्स है पहले उठा के फेंक देते हैं। ओके तो भाई साहब यहाँ पे अपने पास खाने की पूरी एकदम मतलब हो चुके हैं। एंड यहाँ पे देख रहे हो बैग मेरा पूरा भर चुका है, तो यहाँ पे प्लेयर कितना स्लो चल रहा है भाई, यहाँ पे खतरनाक ही स्लो चल रहा है, तो फास्ट तो चल ही नहीं सकता ये। एंड भाई यहाँ पे देख रहे हो कितना ज़्यादा स्लो चल रहा है। यहाँ पे देखते भाई पत्थर वित्थर मिल जाते तो पत्थर भी इसी टाइम पे लेके चलते थे भाई, ये पत्थर कलेक्ट नहीं कर सकते अपन तो, कोई नहीं यहाँ पे धीरे 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 करके कैसे भी पहुंच जाते हैं। One eternity later. ठीक है तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुका है अपना, कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक अपने को अभी बिग स्टोन चाहिए एंड छोटे छोटे वाले स्टोन भी थोड़े बहुत चाहिए, तो यहाँ पे पांच और छोटे छोटे वाले चाहिए। लेकिन उसके पहले अपन यहाँ पे जो कैंप फायर वो जला देते हैं यहाँ पे, एंड यूज़ इसको करते हैं। एंड यहाँ पे बर्ड नेस्ट जो है इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे भाई इसमें आग लग जाएगी। हो जा जल्दी से। ठीक है तो यहाँ पे आग लग चुका है, तभी यहाँ पे इग्नाइट कर देते हैं इसको। एंड यहाँ पे जितने भी अपने पकाने वाले खाने हैं सारा यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है तो यहाँ पे भाई दो ही लग सकता है अपने को, जल्दी से यहाँ पे स्टोन इकट्ठा करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे चारकोल लगा देते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे देख रहे हो मैं यहाँ पे पत्थर ढूंढ ही रहा था, स्टोन ढूंढ ही रहा था, यहाँ पे ये मिल गया। यहाँ पे भाई छिपा पड़ा रहता है यहाँ पे, इसको पहले पीट देते हैं भाई, मर जा तू यहाँ पे। एंड भाई इसको मारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये लोग तो एक तो प्रॉपरली जल्दी दिखते नहीं है। एंड यहाँ पे भाई काट लिया ना अगर इन लोग ने तो भाई अपना तो यहाँ पे भाई काम तमाम होने लगता है। एंड उसके बाद लेकिन मेरे पास यहाँ पे बैंडेजेस हैं बहुत ढेर सारे, तो अपने को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। एंड यहाँ पे देख रहे हो अपना प्लेयर फिर से मतलब स्लो चलना चालू हो गया। एंड यहाँ पे इसको शायद से फिर से जोक लग गई है। यहाँ पे जितने ही पत्तियों से आप उन चल मतलब आप चलते रहोगे ना उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे जोक्स लगते हैं। एंड यहाँ पे भाई कोई तो आ रहा है भाई, कोई तो आ रहा है यहाँ पे भाई, मुझे लगा ही था कि यहाँ पे कोई तो आ रहा है। एंड यहाँ पे भाई तब तक के लिए यहाँ पे जितने देर तक अपन स्लो चल रहे हैं कुछ ना कुछ तो अपने को फेंकना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ खा ही लेते हैं यहाँ से भाई। ओके तो यहाँ पे भाई खाते ही अपना देख रहे हो कितना मस्त अपन चलने लगे हैं। एंड यहाँ पे इसको भी खा लेते हैं। एंड यहाँ पे मैंने स्टोन्स लगा दिया है, एक अपने को बड़ा वाला स्टोन चाहिए एंड शायद से एक ही अपने को छोटा वाला स्टोन भी चाहिए यहाँ पे। ठीक है हाँ एक ही छोटा वाला स्टोन भी चाहिए एंड एक बड़ा वाला स्टोन चाहिए अपने को यहाँ पे। एंड अपना खाना यहाँ पे पक चुका है तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। एंड अभी यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे खाने जो यहाँ पे है बचे हुए उनको रख देते हैं भाई, यहाँ पे और को नहीं पका सकते। एंड जितना भी पका हुआ खाना है अपन यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। एंड यहाँ पे जो ये चॉकलेट्स कैंडी बार है भाई, इनको खा के देखते हैं क्या क्या मिलता है अपने को। ओ भाई साहब 22 कार्बोहाइड्रेट्स। एंड यहाँ पे एक चिप्स खा के देखते क्या मिलता है भाई साहब, 27 कार्बोहाइड्रेट्स एंड 15 फैट्स भाई, ये भी खतरनाक है यहाँ पे भाई। मतलब अपन इसको ना बाद में यूज़ करेंगे क्योंकि इसका तो एक्सपायरी है नहीं, उसके अंदर लिखा तो है नहीं कुछ एक्सपायरी, तो अपन इसको कभी भी खा सकते हैं। एंड यहाँ पे भाई पत्थर इकट्ठा करते देखते भाई, पत्थरों की तो पूरी वाट लगी पड़ी है। ओ भाई कोई है क्या यहाँ पे? एक तो ये लोग बहुत ज़्यादा डराते हैं यार अपने को, बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा डराते हैं। एंड यहाँ पे टोबैको प्लांट्स है, तो टोबैको तो अपने पास है यहाँ पे, अपने पास ढेर सारे बैंडेजेस हैं यहाँ पे, देख रहे हो लिली ड्रेसिंग भी है, एस ड्रेसिंग भी है, टोबैको ड्रेसिंग भी है यहाँ पे, ढेर सारा हम लोग ने रखा हुआ है पहले से ही। एंड भाई यहाँ पे देख रहे हो ये क्या चला हुआ है भाई, ये कौन है? एंड यहाँ पे बर्ड फेदर अपने को कुछ नहीं जरूरत है, इसको मारते भाई। ओ भाई भाग गया यार ये लोग, मोलिनेरिया यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, अपने को तो जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे हम लोग ने यहाँ पे बैंडेजेस बना के रखे हैं ऑलरेडी। एंड यहाँ पे भाई अपन गुम हो जाएंगे, इससे पहले यहाँ पे रात भी हो रही है। एंड अभी भाई स्टोन्स मिल जाए यार भाई, यहाँ पे नारियल्स हम लोगों ने जो छोड़ा था यहाँ पे नारियल्स ही हैं। A few inches later. भाई साहब फाइनली यहाँ पे अपने को स्टोन्स मिल चुका है, तो मैं एक हार्वेस्ट कर लेता हूँ एंड एक कलेक्ट करके यहाँ से लेके चलता हूँ, जिससे यहाँ पे क्या होगा
कि अपना भाई यहाँ पे काम हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे अपने काम, क्योंकि एक अपने को बड़ा वाला स्टोन भी चाहिए था एंड एक छोटा वाला भी। एंड यहाँ पे भाई हम लोग देख रहे हो कितना ज्यादा ही स्लो चल रहे हैं यहाँ पे भाई। चल चल चल, हो जाएगा, तू कंप्लीट कर लेगा आज। एंड यहाँ पे अपना पूरा स्टोन रिंग कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी जितना भी यहाँ पे खाना है हम लोग वो पका सकते हैं भाई, यहाँ पे चार चार अभी खाना पका सकते हैं साथ में ही। ओके, तो यहाँ पे एक और पका सकते थे, लेकिन यहाँ पे भाई अपने को पास है नहीं क्या रात से, भाई इसको रखते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला भी यहाँ पे पका लेंगे। एंड भाई एक और पका सकते हैं क्या? हाँ यार, यहाँ पे एक और पका सकते हैं, देख रहे हो। तो भाई यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे ये खाना पकता रहेगा, क्योंकि भाई अभी सो नहीं सकते हम लोग, क्योंकि भाई जब खाना पकता रहता है ना भाई, अपन सोएंगे तो यहाँ पे जो रहेगा खाना यहाँ पे जल भी सकता है, इसकी वजह से अपन यहाँ पे सोते नहीं है। एंड यहाँ पे देख रहे हो अपना हेल्थ बार पूरा कंप्लीट हुआ पड़ा है, थोड़ा सा पानी की कमी है, लेकिन यहाँ पे पानी की कमी वो भी अपन यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पानी भाई, ठीक है, तो यहाँ पे पानी वाला भी हेल्थ बार अपना भर चुका है एकदम। एंड अभी यहाँ पे बज रहे हैं कितना, 7:30 भाई, शाम के 7:30 बज चुके हैं यहाँ पे। एंड खाना यहाँ पे पकने देते हैं, यहाँ पे भाई ये शायद से पक चुका है। एंड खाना पकते ही अपन यहाँ पे सोने के लिए चल देंगे, क्योंकि भाई जितना जल्दी हो सके अपने को सोना है यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पूरा खाना पक चुका है। एंड अभी यहाँ पे भाई सोने का चलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे अभी अपने को गेम भी सेव करना है एंड सोना भी है, क्योंकि रात हो चुकी है। तो यहाँ पे रात में भाई ज़्यादा अपन यहाँ पे काम दाम नहीं करेंगे, क्योंकि रेस्ट भी करना है भाई, दिन भर घूम ही रहे हैं अपन। तो यहाँ पे देखते हैं सेव गेम, ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं गेम अपना। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे सेव कर लिया अपना गेम। एंड यहाँ पे अभी सो जाते हैं, देखते हैं कितना बज रहे हैं भाई। यहाँ पे 11 बज चुके हैं, सोच रहे हो रात के 11 बज चुके हैं। एंड अभी अपन सो के सुबह उठेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सुबह हो चुकी है। एंड भाई यहाँ पे पहले, उससे पहले यहाँ पे स्मगलर्स लोग दोबारा आ जाएं, क्योंकि भाई वो लोग इतना अच्छा यहाँ पे बना के गए हैं, तो दोबारा आएंगे ही वो लोग। एंड यहाँ पे उससे पहले ये लोग दोबारा आए, अपन यहाँ पे 2-3 दिन तक रुक के उसके बाद चले जाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हो भाई, अपन ने इतना हार्वेस्ट किया, मतलब इतना जो ये स्टोन है इतना मतलब यहाँ पे ढूंढे, लेकिन यहाँ पे कहाँ था, अपने घर के पास में ही था भाई। ये भी खतरनाक ही है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग को खा लेते हैं। एंड अभी क्या करना है अपने को, यहाँ पे भाई बॉडी में कुछ तो इंसेक्ट अपने को लग गया है, अपन वो इंस्पेक्ट करने वाले हैं, इंसेक्ट्स को इंस्पेक्ट करने वाले हैं अपन। तो यहाँ पे देखते हैं, ओ भाई साहब, यहाँ पे देख रहे हो ये लोग भाई जो कितने ज़्यादा यहाँ पे घूम रहे हैं, इनको पहले हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों हट चुके हैं यहाँ से। एंड अभी एक्सप्लोर करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे आजू बाजू यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़े सा मशरूम दिख रहा है मुझे, थोड़ा मशरूम ले लेते हैं यहाँ से, ये भाई अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे ये लोग। ठीक है, तो यहाँ से मशरूम अपने को कलेक्ट हो चुका है। एंड अभी यहाँ पे ये वाला पता नहीं कौन सा भाई वो है, पेड़ है, इसको नहीं लेते यहाँ से। एंड अभी देखते हैं कुछ, ओ भाई साहब यहाँ पे एक पैरट मरी पड़ी हुई है, तो इसको ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नया तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं मिल रहा है यहाँ पे भाई। ये सुअर भाग रहा है कैसे, यहाँ पे पिगीज यहाँ पे भाग रही है। एंड अभी भाई यहाँ पे अपन क्या करते हैं भाई, आ जा तुझे अगर बनना ही है तो, यहाँ पे शिकार बनना ही है तो। ओ भाई कोई और तो नहीं आ रहा है ना, इसको देते खाने भर का। ओ भाई साहब क्या निशाना लगाया यार मैंने यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं भाई, यहाँ पे अपन जो है इसका कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है। एंड कोऑर्डिनेट्स चेक करने के लिए क्या करना होगा, अपना मैप ओपन करना होगा, उसके बाद अपना वॉच ओपन करना होगा। एंड यहाँ पे देख रहे हो कोऑर्डिनेट्स अपना क्या है, 50 वेस्ट एंड यहाँ पे 27 के जो है साउथ। तो यहाँ पे 50 वेस्ट, तो यहाँ पे 50 अपना हो जाएगा एंड 27, तो यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे जो ये निशान बना हुआ है, यहाँ पे मार्क्स है, वही है अपना यहाँ पे लोकेशन। तो कोई दोस्तों, यहाँ पे आज के एपिसोड में साथ यहाँ पे आग भी बुझ चुका है, तो यहाँ पे इसको कलेक्ट कर लेते हैं चारकोल्स पूरा। एंड यहाँ पे एस का तो आपको मैंने लास्ट टाइम पे बताया ही था कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैंप फायर एस। एंड यहाँ पे मैं आई थिंक सो अपने को स्टॉप करना चाहिए। कोई नहीं दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस पास प्यार बांटते रहिए।